हेलो स्टूडेंट, यह है कक्षा 12 के बच्चों की भौतिक विज्ञान की कक्षा। यहाँ पे हम लोग विद्युत परिपथ चैप्टर खत्म कर चुके हैं। हम पीछे चलते हैं ताकि विद्युत धारा वाली पूरी यूनिट समाप्त की जा सके। यहाँ पे विद्युत चालन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। इसका पीडीएफ आपको दिया जा चुका है और उसको समझने के लिए आप इन वीडियोज़ का इस्तेमाल करिए। विद्युत धारा क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं। पहले भी पढ़ा है अपने, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। किसी भी स्थान पर या किसी भी परिपथ में, किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में बताना चाहें तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये बहुत बेसिक परिभाषा है, कक्षा 10 से ही पढ़े हैं। इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करना चाहें तो बहुत सारे तरीके इसको मॉडिफाई करने के, जो हम कक्षा 12 में इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला तरीका है कि किसी भी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन चल रहे हों तो उसके कारण धारा कितना होगी। मान लेते हैं आर त्रिज्या के किसी वृत्ताकार पथ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन वी वेग से चल रहा है, तो परिपथ में बहने वाली धारा कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। I इज इक्वल टू क्यू अपान टी। अब समय कितना लगेगा एक पूरा चक्कर लगाने में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे में चाल। एक वृत्ताकार पथ पे चलने में दूरी कितना चलेगा, 2πr, चाल कितनी होगी वी। फॉर्मूला बन गया क्यू वी अपान में 2πr। तो जरूरी नहीं है कि धारा सिर्फ एक ही फॉर्मूले से निकाला है, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी से। धारा का दूसरा फॉर्मूला क्यू वी अपान में 2πr। अगर हमको बताया जाए कि इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, हम तभी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हमको अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। दूसरा फॉर्मूला बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में इतने चक्कर लगाता है, तो उसकी जगह पे हमको आवृत्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 1/आवर्तकाल की जगह पे हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। धारा निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है, धारा बराबर आवेश गुणे आवृत्ति। तीसरा बात हम लोग करना चाहें तो ये हम लोगों ने क्लास 11 में सीखा था, कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है। तो वी बराबर आर ओमेगा, वी है रेखीय वेग, ओमेगा है कोणीय वेग। इस फॉर्मूले में हम रखना चाहें तो आराम से रख सकते हैं। तो आई का दूसरा फॉर्मूला हो गया क्यू, वी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू ओमेगा। आर ओमेगा पूरे के अपान में 2πr, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या नया फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू ओमेगा अपान में 2π। ये भी एक तरह का फॉर्मूला है जिससे हम विद्युत धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पुराना फॉर्मूला और ये आपके लिए एकदम नया चीज़ है, इसको ध्यान से आप अपनी नोटबुक में नोट करिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक होता है कूलाम, P का मात्रक होगा सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड को हम शॉर्टकट में एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा मूल राशि है, इसकी विमा होती है कैपिटल A। इन सब बातों को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्युत धारा के बाद। विद्युत धारा बहती कैसे है, एक्चुअल में ये जानना जरूरी है। अनुगमन वेग जानेंगे हम लोग इसके बाद। होता क्या है कि विद्युत धारा हमेशा सुचालकों में ही बहती है, तो चालकों में धारा प्रवाह होता कैसे है ये समझते हैं। तो केवल उन्हीं चालकों में या उन्हीं धातुओं में ही धारा का प्रवाह हो सकता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजी बंध से ना बंधे हों। अब किसी भी चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। अनियमित रूप से गति करने का तात्पर्य यह है कि उनके बीच कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती कि वो किस दिशा में गति करेंगे। अब अगर अनियमित रूप से गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के कारण हम विद्युत धारा निकालेंगे तो उसका मान शून्य आता है। इसीलिए कोई भी लोहे का टुकड़ा विद्युत धारा उत्पन्न अपने आप से नहीं कर सकता। अगर इस चीज में हम थोड़ा सा बदलाव करें, और बदलाव करने का तात्पर्य ये है कि इसके एक सिरे को धनावेशित और दूसरे सिरे को ऋणावेशित कर दें, तो होगा क्या, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सभी इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की ओर एक अलाइंड हो जाएंगे, एक दिशा में चलने लगेंगे। अब ये जो घटना है ये विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक विशेष दिशा में चलना शुरू करते हैं तो अब प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी दर के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। पॉइंट आता है कि चालकों में धारा प्रवाह होता कैसे है, तो आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी हैं लेकिन यहाँ पे धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अनियमित गति कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर चालक के दोनों सिरों पर हम विभव आरोपित कर दें तो वो एक निश्चित दिशा में चलते हैं, और निश्चित दिशा के साथ साथ एक निश्चित चाल से भी। एक निश्चित चाल से कब, जब चालक के दोनों सिरों पर विद्युत वाहक बल या विभव लगा दिया जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की निश्चित चाल होती है इसी चाल को हम बोलते हैं अपवाह वेग। अपवाह वेग या इसी का दूसरा नाम होता है अनुगमन वेग।
इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा। अनुगमन वेग क्या है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है, एक नंबर या दो नंबर के सवाल में। तो किसी भी चालक के दोनों सिरों पर विभव आरोपित करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त न्यूनतम वेग होता है वही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर हम विद्युत धारा को कैसे रिकनेक्ट करते हैं, अर्थात धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। ध्यान से समझते हैं, जो पहला फिगर था विदाउट वोल्टेज वाला, जब वोल्टेज नहीं रहेगा तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की परिणामी चाल होती है शून्य, लेकिन जैसे ही उसके सिरों के बीच हम कोई भी विभव आरोपित कर देते हैं अब वो एक निश्चित चाल से चलने लगता है, वो चाल होती है वीडी। अगर हम गति का प्रथम समीकरण लगाएं, प्रथम समीकरण क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वी क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग आपको साफ साफ दिख रहा है वीडी। यू क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना दिख रहा है जीरो। त्वरण है ए। समय होता है शांतिकाल, किसी भी इलेक्ट्रॉन में या किसी भी चालक के इलेक्ट्रॉनों पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद जितना समय लगता है उन्हें अलाइंड होने में वही समय कहलाता है शांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम, ए इंटू टाउ। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए मल्टीपल में टाउ। अब जरा ध्यान से समझिए, ये कौन सी स्थिति है जब सारे इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे हों, लेकिन ये कौन सी स्थिति है जब चालक के सिरों के बीच में एक विद्युत वाहक बल लगा दिया गया हो, प्लस और माइनस। अब इस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्यों गए, क्योंकि उनमें ई वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगा, बल कितना, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश, कैपिटल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। एफ के जगह पे अगर हम ई कैलकुलेट कर चुके हैं तो एफ के जगह पे हम लोग द्वितीय नियम से न्यूटन के एम ए लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। यहाँ से त्वरण निकाले तो आ जाएगा ई अपान में ई, रख सकते हैं हम यहाँ पे, वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में यम मल्टीपल में टाउ। ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं मोबिलिटी, एक कॉन्सेप्ट होता है मोबिलिटी का, विद्युत चालन का, या उसको गतिशीलता बोला जाता है फिजिक्स की दुनिया में। तो वी डी अपान में ई इज इक्वल टू एक क्वांटिटी आएगी ई टाऊ अपान में यम। ई टाऊ अपान यम को हम लोग फिजिक्स में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एकांक वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों को जितना अनुगमन प्राप्त वेग प्राप्त होता है वही अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहलाती है, किसी भी चालक की गतिशीलता कहलाती है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए, ये भी परीक्षा में आ सकता है, अनुगमन वेग और शांतिकाल में संबंध, या अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको सीखना है वो है ओम का नियम। ओम का नियम, उससे पहले हम एक सीख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। मान लेते हैं कोई भी चालक है, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग वी डी है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एक सेकंड में चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जरा इस बात को समझते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। और एक हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन अगर स्मॉल एन है तो स्मॉल एन मल्टीपल में एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने आयतन में फैल जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉनों का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे एक सेकंड में चली गई दूरी। अगर अनुगमन वेग वी डी मीटर प्रति सेकंड है तो चली गई दूरी कितना होगी एक सेकंड में, वी डी मीटर। अब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने क्षेत्रफल में फैल जाएगा, ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, दैट इज ए इंटू वी डी, तो हो जाएगा ए इंटू वी डी। अभी क्या पता चल गया आपको, एक सेकंड में चालक में कुल इलेक्ट्रॉन एन इंटू ए इंटू वी डी। अब अगर हम बात करें टी सेकंड में चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एन इंटू ए इंटू वी डी मल्टीपल में टी। अब अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है स्मॉल ई, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, इन इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना होगा, एन इंटू ए इंटू वी डी मल्टीपल में टी, और पूरे का मल्टीपल किससे करते हैं, स्मॉल ई से।
आ जाएगा एन ई ए वी डी इंटू टी, किसका मान है आवेश का। अगर हम टी से डिवाइड कर दें क्या बचेगा, क्यू अपान में टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, क्यू अपान टी धारा, अभी अभी हम लोगों ने सीखा क्यू अपान टी की जगह पे हम लिख सकते हैं आई, फॉर्मूला आ जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये किसी भी चालक में बहने वाली धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध है। यहाँ तक बात आप ध्यान से समझिए, कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, या आगे की बातों को जो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बताया गया है उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट से पढ़िए और यहाँ से मदद करिए, मदद लीजिए उन बातों को समझने में, वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करिए। और ये कॉन्सेप्ट टॉक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग देखेंगे ओम का नियम। और सबसे खास बात, ओम का नियम आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, ओम के नियम से ज़्यादा जानना जरूरी है कि ओम के नियम का निगमन कैसे कर सकते हैं हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर। ये बातें हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, आज का बात यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।